बाबूजी, दिल्ली में क्लाइंट्स के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही, पर वे बिजनेस की बातें छोड़ो यश, आज मेरी पोती का जन्मदिन है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है 4 साल के बाद पलक के जन्मदिन की पार्टी की तैयारियां देखकर। आपकी खुशी तो हम सबको दिख रही है बाबूजी। दादाजी! अरे हैप्पी बर्थडे टू यू। कितनी सुंदर लग रही मेरी बिटिया। एकदम आसमान से उतरी परी की तरह। आजा इधर आ बेटा, आजा आजा आजा। मैं अपनी परी को रजे का टीका लगा देती हूँ। वो तो नई मम्मी ने पहले ही लगा दिया। हाँ हाँ। पलक जल्दी बाहर आओ, आपके फ्रेंड्स आए हैं। मेरे फ्रेंड्स आ गए, बाय बाय बाय। आप सब लोग मेरे पार्टी में जरूर आना। गायत्री जी, ये तो बिल्कुल वही स्वाद है जैसे अर्पिता बनाया करती थी। मैं खुद हैरान हूँ, एकदम अर्पिता के हाथों का स्वाद है। या ये फज भी आरती ने बनाया है? जी ये आरती जी ने नहीं, मैंने बाहर से ऑर्डर किया। कमाल है, ऐसा लगता है जैसे दुकान वालों को भी अर्पिता ने ही फज बनाना सिखाया है। भाई मां, आरती अभी भी वक्त है, सोच ले, बदल ले अपना फैसला। अर्पिता की परछाई बनने का फैसला। बेटा तू जो करने जा रही है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मां मैंने सोच लिया है, मैं फैसला कर चुकी हूं मां, और आज सुबह से तो मैंने वही सब कुछ किया है जो अर्पिता जी करती थी, और घर पे सब बहुत खुश है। पलक कितना अच्छा कह के, जल्दी काटो ना, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। मैं जानती हूँ अर्पिता जी, आप मेरे साथ हैं, और सच कहूँ तो आज आपके साथ की बहुत जरूरत है मुझे, इसीलिए तो आपकी परछाई बनकर जा रही हूँ पार्टी में। इसका टेस्ट तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे जैसे अर्पिता बनाया करती थी। हेलो जी, मैं सिंधिया, यस सिंधिया, चॉकलेट फज का ऑर्डर दिया था मैंने, आप मुझे बता सकते हैं कि वो बनाया किसने? सर आपने चॉकलेट फज का ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर आपके घर से किसी ने उसे फोन पर कैंसिल कर दिया। पलक बेटा केक काटिए आप, सब बच्चे वेट कर रहे हैं। नहीं दादाजी अभी नहीं, मैं नई मम्मी की वेट कर रही हूँ। यश बेटा जाकर देखो आरती बहू कहाँ है, सब लोग वेट कर रहे हैं। हे भगवान, आज वो पल आ ही गया जिसका मुझे डर था। बड़ी मुश्किलों के बाद उसकी जिंदगी दोबारा सवरी है। अगर यष्टि ने आरती को अर्पिता के रूप में नहीं अपनाया तो आरती के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज उसकी इस परीक्षा में उसका साथ देना भगवान, साथ देना।